आपका वेब वार्ता में आपके साथ मैं हूं प्रीति और हमारे साथ मौजूद हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी और हम बात करेंगे रविंद्र गायकवाड़ जी के बारे में। रविंद्र गायकवाड़ शिवसेना सांसद हैं और पिछले कई समय से विवादों में चले आ रहे हैं, तो पहले बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर क्या कारण है कि वे विवादों में चले आ रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने सदन में अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, रविंद्र गायकवाड़ जी उस्मानाबाद से शिवसेना के सांसद हैं और पिछले लगभग 15-20 दिनों में जितना उनका नाम सुना गया है मीडिया में, मुझे नहीं लगता इसके पहले कोई उनके क्षेत्र की जनता और इसके अलावा बहुत ज्यादा जानता होगा। एक दो बार पहले उनका नाम आया लेकिन अलग मामले में। तो ये दरअसल 23 मार्च की घटना है जब वो एयर इंडिया के एक विमान से जा रहे थे, तो उस वक्त जो घटना हुई थी वो ज्यादा चर्चित इसलिए हुई कि अचानक एक वीडियो सामने आया जिसमें उनकी बहस हो रही है एयर इंडिया के स्टाफ से और उनका खुद का एक टेलीविजन चैनल को दिया हुआ बाइट था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने हाँ मारा, मैंने 25 बार चप्पलों से एयर इंडिया के उस स्टाफ को मारा, क्योंकि उसके वो वीडियो सामने आना ज्यादा भयानक था। उसके बाद में वो वीडियो सामने आया कि मूल घटना क्या थी। तो घटना 23 मार्च की है। दरअसल जो बाद में सामने आई पूरी बात वो ये थी कि ये फ्लाइट से जा रहे थे, इनके पास बिजनेस क्लास का टिकट था लेकिन इकोनॉमी उस जो फ्लाइट आई थी उसमें बिजनेस क्लास था ही नहीं, तो इकोनॉमी में बैठे थे, इसका ही विरोध कर रहे थे। लेकिन उस बात को लेकर बहस इतनी आगे चली गई कि एक सीनियर स्टाफ जो था एयर इंडिया का, उसको इन्होंने बाकायदा धकेला और चप्पलों से पीटा और उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। बात सिर्फ इस घटना के हो जाने की नहीं है, बात यह थी कि उसके आगे जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई और उन्होंने सदन में इस बात को लेकर सफाई दी है पहली बार। और सदन में सफाई देते वक्त भी उन्होंने संसद से माफी मांगी है और उन्होंने इस घटना पर किसी तरह का खेद नहीं जताया। दूसरा पक्ष ये भी है कि उन्होंने सिर्फ संसद से माफी मांगी है, उस व्यक्ति से नहीं जिसके प्रति उन्होंने दुर्व्यवहार किया था। दूसरी बात ये कहेंगे कि सांसद हैं तो क्या सरेआम कानून को हाथ में लेने का अधिकार मिल जाता है या किसी को चप्पल से मारने का? आखिर सांसद हैं तो क्यों सदन में अपना पक्ष रखने की सहूलियत दी जाए? संसद जो है वो दरअसल सांसदों के लिए ही बनी है, उनका प्रतिनिधित्व वहां पर होता है। दूसरा, सांसदों को विशेषाधिकार भी मिला होता है और उस विशेषाधिकार के तहत कुछ बातें हैं, जैसे उनकी अगर गिरफ्तारी होगी तो उसमें अनुमति लगेगी, वो सब बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी घटना हो उसमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, हमने कई मुख्यमंत्रियों को भी जेल होते हुए देखा है। लालू प्रसाद यादव को अगर चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा तो उनको राबड़ी देवी को भले मुख्यमंत्री बनाना पड़ा लेकिन वो जेल गए। तो सवाल यह है कि कानून हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, चाहे उसे विशेषाधिकार प्राप्त हो या कोई सा भी अधिकार प्राप्त हो। ये अधिकार भारत के संविधान ने किसी को भी नहीं दिया है कि आप सरेआम किसी की पिटाई कर दें और उससे आप फिर उसके बाद बच जाए उन आरोपों से, खासतौर पर तब जब आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोक प्रतिनिधि हैं, आपका व्यवहार जो है वो लोक व्यवहार की मर्यादाएं और आदर्श कायम करता है। वैसे में अगर आप किसी की इतनी बुरी तरह पिटाई करें, उसको जायज ठहराएं, उसका आपकी अकड़ यह है कि मैं संसद से तो माफी मांग लूंगा लेकिन उस व्यक्ति से माफी नहीं मांगूंगा। संसद में जिस तरीके की बातें रविंद्र गायकवाड़ जी ने रखी हैं उस पक्ष की जांच होनी चाहिए। उनका कहना यह है कि उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार हुआ। जो एयर इंडिया का स्टाफर आया था उसने कहा कि मैं एयर इंडिया का बाप हूं, उसने ये भी कहा कि आप कौन होते हैं, इस तरह की जो बातचीत उनकी हुई है और अगर बहस हुई है। और इसको लेकर एयर होस्टेस जो है एयर इंडिया की, उनका भी बयान आया था कि जो स्टाफ आए थे वो भी बहुत अच्छा। तो अगर स्टाफ ने गलत व्यवहार किया है जांच उसकी भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि चूंकि वो सांसद है और जिस तरह का मिजाज उन्होंने दिखाया है, जिस तरह की अकड़ उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर दिखाई है, वो बहुत गलत तरह की परिपाटी कायम करती है। और अगर वो सांसद है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो किसी को पीट देंगे या किसी भी तरीके से अपनी अकड़ दिखाएंगे। उस वीडियो से भी ये साफ जाहिर है कि बाकी का जो स्टाफ है एयर इंडिया का वो उनसे बहुत विनम्रता से व्यवहार कर रहा था, उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद भी उन्होंने उस स्टाफर को पीटा। ना केवल पीटा बल्कि उसके बाद बड़े गर्वोक्ति के साथ, एक तरह के घमंड के साथ ये कहा कि हाँ मैंने पीटा। वहां जाकर बात बिगड़ जाती है। अगर उनके साथ बुरा हुआ था, जो टिकट उनको दिया गया उसके हिसाब से उनको सीट नहीं मिली, फ्लाइट देरी से थी, एयर होस्टेस, उसके लिए अलग फोरम है, आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। बल्कि आप सांसद हैं तो आपकी बात की सुनवाई भी तेजी से होती है और आपके पास और भी अनेक मंच हैं, आप संसद में भी मामला उठा सकते हैं कि एयर इंडिया का स्टाफ किस तरह का व्यवहार करता है। लेकिन आप न तो चप्पलों से पिटाई कर सकते हैं और न उस पिटाई की गर्वोक्ति के साथ घोषणा कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह अकड़ सकते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। लंबे समय से विवादों में रहने के बाद आखिरकार उन्होंने सदन में अपना पक्ष तो रख दिया लेकिन फिर एक नए विवाद को जन्म दे दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जब पक्ष रखा है तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो कहीं भी गलत नहीं थे।
महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि उन्होंने लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ा है। अभी तक वो जितनी भी बात कर रहे थे वो लिखी हुई बात नहीं कर रहे थे, वो अपनी बात जो दिल में जबान पे आ रही थी वो कह रहे थे। इस बीच जो 15 दिन गुजरे हैं इसमें उन्होंने निश्चित तौर पर वकीलों की सलाह ली होगी, और चूंकि मामला नेशनल मीडिया में इतना उछल गया है, लगातार इसकी चर्चा हो रही है, मीडिया उनका पीछा कर रही थी, उन्होंने ये खुद सदन में भी कहा कि रविंद्र गायकवाड़ के नाम से टिकट बुक हो रहे थे और वो रद्द हो रहे थे, क्योंकि हुआ यह है कि न केवल एयर इंडिया ने बल्कि तमाम हवाई कंपनियों ने उनके ट्रैवल को प्रतिबंधित कर दिया है। कोई भी हवाई कंपनी उनको अपने हवाई जहाज में बिठाकर ले जाने को तैयार नहीं। इससे वो और ज्यादा चिढ़ गए हैं, चिढ़ने के साथ साथ वो थोड़े से चौकन्ने भी हो गए हैं। तो उन्होंने आज एक लिखित बयान संसद में पढ़ा है, और उस बयान को पढ़ने से ये साबित होता है कि कोई कानूनी सलाह लेकर उनने बयान पढ़ने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने सामने वाले पक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए। अगर मामला ऐसा ही है तो रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ तो एक FIR दर्ज हो चुकी है, उन्होंने गृह मंत्री से ये दरख्वास्त भी की है कि उनके खिलाफ जो 308 लगी है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने कोई जान से मारने की कोशिश तो नहीं की थी, सबकी भी। लेकिन उन्हें भी अपनी तरफ से एक मुकदमा कायम करना चाहिए, और कानून जैसे एयर इंडिया के स्टाफ के लिए उपलब्ध है वैसे उनके लिए भी उपलब्ध है। बात सबसे बड़ी यह है कि अगर लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर आप इस तरह की हरकत करते हैं और उसको जायज ठहराने की कोशिश करते हैं तो फिर जनता में गलत संदेश जाता है। अगर उनकी हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा है और ऐसा करना संभव नहीं है किसी भी हवाई कंपनी, तो उसकी अलग से जांच होनी चाहिए। बात सिर्फ उनके दुर्व्यवहार की हो रही है और उस दुर्व्यवहार को जायज ठहराने की हो रही है। अगर वो इस सारी घटना के बीच में भी अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांग लेते, खेद प्रकट करते कि वो गुस्से में थे, उस वक्त उनको तैश आ गया था, सामने वाले ने भी बुरा बर्ताव किया था इसलिए वो गुस्से में आ गए और उन्होंने मारपीट कर दी, लेकिन उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि इस मामले को इतने पर वो शायद रोक पाते। पहले एयर इंडिया के अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार, फिर सदन में भी हंगामा, आखिर उनका ये रवैया कितना गलत है और क्या उनकी पार्टी को इससे नुकसान पहुंच सकता है? गलत तो है ही, लेकिन शिवसेना जैसा कि है कि उनकी छवि है कि पिच खोद देते हैं या जो बात उनको मनवानी होती है उसके लिए फिल्मों पर प्रतिबंध लगा देते हैं, तो शिवसेना तो उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। चाहे आप संजय राउत जी की बात करें या दूसरे तमाम सांसदों की बात करें, संसद में उनका पक्ष ही लिया गया है। और आप एक और महत्वपूर्ण बात देखिए कि जो दूसरे दलों के भी सांसद हैं वो इस मुद्दे पर मौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये एक जनप्रतिनिधि के दुर्व्यवहार का मामला है तो उस दुर्व्यवहार की जमकर आलोचना होनी चाहिए थी। दूसरे दलों के सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों या सपा के, उन सबको भी इसका विरोध करना चाहिए था, इसकी आलोचना करनी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए, जो कि होती हुई नहीं दिखी उतनी मुखरता से। कुछ ही सांसद थे जिन्होंने कहा कि गलत है। हाँ, लेकिन जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं VS गजपति राजू, उन्होंने संसद में इसके विपक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हवाई जहाज हैं वो ऐसी मशीनें हैं जो मनुष्यों को ढोती हैं, और उन मशीनों के साथ जब हम किसी भी तरीके से मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है जो दूसरों की सुरक्षा को खतरा बने तो वो सहन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एयर इंडिया के स्टाफ के साथ ही खड़े दिखाई दिए, और निश्चित ही एयर इंडिया सरकारी कंपनी है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को और सतर्क सजग रहना होगा। दूसरा, अगर इस तरह के दुर्व्यवहार को यहां पर स्वीकृति मिल गई, वो भी खासतौर पर संसद जैसे मंच पर स्वीकृति मिल गई, तो फिर तो सारे ही सांसद बेलगाम हो जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि फिर कोई दूसरा आम आदमी अगर किसी दिन हवाई जहाज में इस तरह की मारपीट करता और कहता कि आपने रविंद्र गायकवाड़ को बख्श दिया तो फिर मैं भी ऐसा ही करूंगा, तो एक तरह की अराजकता फैल जाएगी। ये असल में नीति और मानदंड कायम करने का वक्त है, और ऐसे में गलत मानदंड, गलत पैमाने, गलत नैतिक आदर्श नहीं कायम किए जा सकते, इसलिए ये मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। संसद में आए दिन होने वाले हंगामों से सदन की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न होता है, क्या इस बात को ध्यान में रखकर कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? वो निश्चित तौर पर एक बड़ा और अलग मसला है। विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर विरोध करती है, संसद को ठप करती है। आज सांसद होने के नाते अन्य मंचों से वो गायब थे, पिछले 10 दिनों से मीडिया उनको ढूंढ रही थी, वो नहीं मिले थे, लेकिन रविंद्र गायकवाड़ ने संसद में उपस्थिति दर्ज कराई, उन्होंने अपना बयान दिया है, लिखित बयान दिया है, लेकिन उस बयान का भी विरोध हो रहा है। और जिस तरीके से गजपति राजू ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय होने के नाते अपना पक्ष रखा है और किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को गलत बताया है, वो अच्छी बात है, और भी सांसदों को इस मामले में सामने आना चाहिए और एक मिसाल पेश करनी चाहिए, एक नजीर देनी चाहिए कि नहीं, बाकी सारे जनप्रतिनिधि भी इसको लेकर संवेदनशील है, वो चाहते हैं कि सांसदों का आचरण जो है वो मर्यादाशील रहे, वो अपने दायरे में रहकर कार्य करें, बल्कि वो अधिक विनम्र हो ताकि जनता में अच्छा संदेश जाए। शुक्रिया जयदीप जी इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। वेब वार्ता में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।